दोस्तों ये वाला जो ब्लॉग है पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आदि योगी के लिए। इसको उठा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो आदि योगी का जो फोटो है काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब देखो चमत्कार होगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये वाला जो ब्लॉग है पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आदि योगी के लिए, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको अपने लिए और एक टी शर्ट बनाऊंगा बहन के लिए। दोनों टी शर्ट पे आदि योगी की फोटो कैसे प्रिंट होती है और टी शर्ट प्रिंटिंग कैसे काम करता है सबका सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस 2-3 मिनट की वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या आप इस मशीन को जानते हैं? नहीं। मुझे पता ही था। दोस्तों ये जो मशीन है होती है टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, इसको बोलते हैं 5-in-1 मशीन। मैंने इसका पहले भी ब्लॉग एक अपलोड कर चुका है, नहीं आपको पता होगा तो जाके देख लेना। तो इस मशीन से मैं अपने साइज का एक आदि योगी टी शर्ट जो है प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टिकर कौन सा है, यहाँ पर मैंने रखा हुआ था, दिखा देता हूँ निकाल के। तो ये आप देख सकते हो कि आदि योगी जो फोटो है मैंने पहले ही प्रिंट कर लिया है। हाय हाय, इतना सुकून। मैंने 2 पीस प्रिंट किया था, मैं आपको दोनों टी शर्ट दिखाऊंगा। और इस स्टिकर को मैं अपने व्हाइट टी शर्ट पे प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा मशीन में। तो ये स्टिकर आपने देख लिया, और ये जो टी शर्ट है देखो 38 नंबर का टी शर्ट है, बिल्कुल मेरे साइज का है। तो इस व्हाइट टी शर्ट पे मैं आपको फोटो प्रिंट करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे आगे की वीडियो में। A few moments later. दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया कि यही टी शर्ट है जो मेरे साइज का टी शर्ट है, तो मैं इस पे आदि योगी स्टिकर प्रिंट करके दिखाऊंगा। देख सकते हो बिल्कुल मेरे प्रॉपर साइज का है। वैसे तो जो साइज होता है उससे कम लगता है क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, तो इस पे कैसे प्रिंट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो मशीन है इसको हमें ऑन कर लेना है। यहाँ पे 338 टेम्परेचर होना चाहिए, मैंने सेट किया टेम्परेचर। तो एक बार जब मशीन रेडी हो गई है, मतलब कि स्टार्ट है प्रिंट करने के लिए, तो इसको मैं ऐसे पीछे कर दूंगा, इसका जो है प्रिंटिंग वाला हिस्सा ऐसे पीछे कर देंगे। और ये जो टी शर्ट है आप कहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो उसको आपको ऐसे लगा देना है। तो मैं जो है फ्रंट साइड पर प्रिंट करूँगा, बिल्कुल यहाँ पर सीने पर जो होता है। अगर आप बैक पर चाहते हो तो बैक पर करो, नहीं तो आप फ्रंट पर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस टी शर्ट को इस तरीके से रख देना है बिल्कुल सावधानी के साथ। वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल रही होगी। और आपको कहाँ प्रिंट करना है आपको कंफर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर टी शर्ट को बिल्कुल सही तरीके से आपको रख देना है, बिल्कुल साइड बाय साइड, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि प्रिंटिंग बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है टी शर्ट मैंने सावधानी के साथ रख दी है बिल्कुल सही। और स्टिकर जो है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये स्टिकर मैंने आपको दिखाया, ये मिरर प्रिंट है, यानी कि आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन जब आप ऐसे करके देखोगे, देखो आप अब से दिख रहा है ना, तो ये जो है उल्टा प्रिंट किया जाता है टी शर्ट से। इसको हम यहाँ पे बिल्कुल सटीक रख देंगे, जहाँ पे रखोगे बिल्कुल वहीं पे प्रिंटिंग आएगी इसकी। तो मैं जो है थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ एडजस्टमेंट में, इतना परफेक्ट है। थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से देखने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखो कितनी जगह बाकी है, ऐसे आप नाप भी सकते हो अपनी उंगली से। तो 6 उंगली इधर है और 4 और 6 उंगली इधर है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर फिट कर देना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हम इसको सावधानी से बिल्कुल लेके आएंगे और इसको धीरे से उस पर रखेंगे और इस हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे। दबाने के बाद ये जो बटन है इसको हम स्टार्ट करेंगे और हमें कुल मिला के 1 से 2 मिनट का वेट करना है। तो 2 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद ये जो टी शर्ट है वो बिल्कुल प्रिंट हो जाएगी। तो मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगा कि कैसा प्रिंटिंग आया है, तब तक 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। A few moments later. तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ये वाली साउंड सुन सकते हो, बहुत ही तेज है, कानों में चुभती है। तो ये साउंड आ रही है मशीन से, मशीन बता रही है कि आपकी प्रिंटिंग हो चुकी है, ये बता रही है। लेकिन हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको उठा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसा प्रिंट हुआ है। तो इसको उठाएंगे, इधर करेंगे, थोड़ी सावधानी के साथ इसको बिल्कुल पीछे की तरफ कर देंगे। ठीक है, बस इसको आगे कर देता हूँ, मशीन डिस्बैलेंस हो रही है। यहाँ पर देखो आदि योगी का जो फोटो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब देखो चमत्कार होगा। मैं इसको धीरे से हटाने वाला हूँ, थोड़ा कैमरा जूम कर देना। और ये मैंने इसको ऐसे हटाया और ये देखो 1 नंबर की प्रिंटिंग आई है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोटो जो है 1 नंबर की है। शाबाश। तो मैं क्या करता हूँ, इस टी शर्ट को मैं पहन के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आ रही है लाइट। आ रही है बिल्कुल प्रॉपर, मैं आपको मैजिक से टी शर्ट को दिखाऊंगा। तो ये रहा टी शर्ट और ये मैंने किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग कितनी अच्छी हुई है,
और ये बिल्कुल फिटिंग है, थोड़ा सा मेरा साइज छोटा है लेकिन इसलिए बहुत फिट आया है। तो आप देख सकते हो कि टी शर्ट कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना, और अगर आप आदि योगी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना। और सेम टू सेम एक और टी शर्ट है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वो मेरी बहन के लिए रहेगा, वो भी पहनेगी और साथ में उसकी सेल्फी अटैच करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हो प्रिंटिंग अच्छी है, मैं थोड़ा सा शीशे में देख लेता हूँ खुद को, एक नंबर का प्रिंट है और ऐसा टी शर्ट मैंने खुद बनाया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।